Today I'm starting with one more chapter from the very first book. I'm now starting with one more chapter, that is local government. Before I start with local government, let me tell you one thing. हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर वी हैड अ चैप्टर कॉल्ड फेडरलिज्म और उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर वी हैड डन कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था दैट देयर शुड बी टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जिसमें यूनियन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मेन मतलब कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल इम्पॉर्टेंस एंड सेकेंडली देर वॉज वन मोर विच सेड दैट द स्टेट लेवल जो कि स्टेट्स के लिए सब कुछ जरूरी है एंड द थर्ड लेवल विल बी लोकल गवर्नमेंट विच इन द अर्बन वी कॉल इट एज म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एंड इन द रूरल वी कॉल इट एज पंचायती सिस्टम द सब्जेक्ट्स फॉर ऑल द लोकल गवर्नमेंट मतलब जो भी लोकल गवर्नमेंट जिस सब्जेक्ट्स पर उनको जो है लॉ बनाने का परमिशन है द हाउ द रेवेन्यू विल बी शेयर दीज आर ऑल ऑलरेडी मेंशन तो दैट इज द चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कि लोकल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं हाउ डज इट एक्चुअली हेल्प आउट एंड इन इंडिया अगर हम कहें तो लोकल गवर्नमेंट जो नाम है पंचायत जो नाम है आज है लेकिन दिस सिस्टम वॉज देयर इवन बिफोर ईयर्स मतलब अगर आप 200 साल पहले भी बोलोगे ना तब भी पंचायत बिठाया करते थे पंचायत वॉज अ मतलब की सभा उन दिनों में क्या होता था जितने भी विलेज के जो सबसे रिच पीपल होते थे या फिर जो मतलब कि काफी पावरफुल होते थे दे वुड बी वन ऑफ द की मेंबर्स एंड बाकी लोग आते थे एंड दे वुड बी गिविंग देयर ओपिनियंस ऑन द स्पॉट बट नाउ अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड तो वी वुड बी डूइंग द सेम थिंग इन द चैप्टर लोकल गवर्नमेंट द वेरी फर्स्ट वेन वी कॉल इट एज लोकल गवर्नमेंट इट इज इन द विलेज या फिर जहाँ हमारे म्यूनसिपैलिटीज हैं वो गवर्नमेंट है जो कॉमन पीपल को यानी कि हमारे जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करता है इट इज बिलीव दैट लोकल नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट आर इसेंशियल इंग्रीडियंट्स फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन इफ यू आस्क द यूनियन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द रोड प्रॉब्लम्स इन आर सोसाइटी और इन आवर एरिया इट्स नॉट पॉसिबल देयर शुड बी समबडी जो उस एरिया के प्रॉब्लम्स को समझे एंड दैट इज वाई द कंसेप्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड सो द वेरी फर्स्ट इज की जो भी हमें जो लोकल लोकल का मतलब है द वन द प्रॉब्लम विच वी मे बी हैविंग इन आवर डेली लाइफ मे बी इट मे बी रिलेटेड टू रोड इट मे बी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी इट मे बी रिलेटेड टू सर्टेन अदर एरियाज और वहां पर इफ लोकली यानी कि आसपास का जो इंसान है वही जो है इन्वॉल्व होता है इन डिसाइडिंग द कंसर्न्स
इन इम्प्रूविंग देअर कंडीशंस दैट विल हेल्प बेटर. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोग स्टेट को या यूनियन को कहते हैं तो देयर पॉलिसीज आर यूनिफॉर्म, देयर पॉलिसीज आर यूनिफॉर्म, लेकिन वो पॉलिसी आपके एरिया के अंदर लागू हो सकता है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? नाउ गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, बट आर ऑल द पॉलिसीज एप्लीकेबल टू अस? आर वी गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द पॉलिसीज? नो. एंड नॉट ऑल द पॉलिसीज आर रिलेटेड टू अस. तो जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें कौन एड्रेस करेगा? एंड दैट इज वेयर आपका जो लोकल गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आता है. एज आई सेड, इवन बिफोर, मतलब कि इंडिपेंडेंस, या आप कह सकते हो लॉन्ग बिफोर, 200 years बिफोर ऑल्सो, अगर आप कहानियां पढ़ते हो, मूवीज देखते हो, तो आप देखोगे दैट सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ सभा. इनफैक्ट आपको पता है जो आपके जो ट्राइबल्स होते हैं, उनका जो ट्राइबल का जो मतलब कि मेन जो भी उनका लीडर होता है, ही और शी विल बी डिसाइडिंग अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स. मतलब उस जमाने में भी अगर आप देखो, जहां राजा महाराजा रहते थे, तब भी अगर ट्राइबल्स रहते थे, विलेज होता था, तो दे वुड नॉट गो टू द कोर्ट फॉर एवरीथिंग. वो राजा को जाकर नहीं प्रॉब्लम्स को बताते थे, अनलेस एंड अंटिल वो प्रॉब्लम उनसे सॉल्व नहीं होती थी, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आपकी ना तो इकोनॉमी से रिलेट होती थी, ना ही वो कुछ और से होती थी, वो होती थी उनकी डेली के आपस में. और इन प्रॉब्लम्स को दे वुड बी अपने यहाँ पर सभा बुलाएंगे. विलेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होगा, सबसे सीनियर, सबसे रिच, वो वहां पर होता था. एंड ओवर द पीरियड इसी सभा को पंचायत का नाम, यानी कि पंच, मेन फाइव पीपल शुड बी देयर, ये उन्होंने जो है किया था. मतलब तब कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन तब भी दिस काइंड ऑफ सभास यूज्ड टू बी देयर. देन 1882 में लॉर्ड रिपन, दैट इज द उस वक्त के जो हमारे वाइसरॉय थे, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को क्रिएट किया था, जिनको कहा जाता था लोकल बोर्ड्स. बट डेफिनेटली दीज वर नॉट जैसा हम चाहते थे, वैसा नहीं हुआ करता था. विलेज पंचायत आपके गवर्नमेंट एक्ट 1919 में भी किया गया था. एंड इवन 1935 वाला जो मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग इवन हमने जो अपनी डेमोक्रेसी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस रखे, उनमें भी था. बट जो मेन हमारा आया था, दैट वाज वेरी लेटर, जिसमें कंपल्शन कर दिया गया था. इवन उस वक्त में भी दे यूज टू द सब्जेक्ट ऑफ, पहले जब मतलब कि हमारा जब इनिशियल में 1950-49 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तो उस वक्त में जो मतलब कि लोकल गवर्नमेंट था, दैट वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. इट वॉज ऑल्सो मेंशन दैट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज वन ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव टू ऑल द गवर्नमेंट्स इन द कंट्री. सो उनको जो है दे नीड टू प्रोवाइड लोकल, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होगा लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट अपने आप में कोई भी काम नहीं करेगा. इट वॉज ओनली अ सब्सिडायरी पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. Being a part, the provision of the constitution was non-justiciable and primary advisory. इसका मतलब होता है कि it was not compulsory. It was only an advice कि भाई आप ऐसा करो. इसीलिए not all the states had adopted this policy. Not all the states had adopted this policy. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया था कि अगर आपको लगता है टू मतलब कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल, इफ यू वॉन्ट टू एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट, नॉट अ थर्ड टीयर. थर्ड टीयर तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है. अगर आप चाहते हो कि लोकली, अगर आप चाहते हो अपना एक गवर्नमेंट वहां सेटअप करना, तो करो. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने तब नहीं किया था.
तो इनिशियल में इफ यू लुक कॉन्स्टिट्यूशन हैड ओनली टू टीयर्स, वन वाज द सेंट्रल एंड द सेकंड वन वाज द स्टेट. तो व्हाई वाज दैट कि लोकल गवर्नमेंट्स और पंचायत्स डिड नॉट रिसीव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ था, ये आपका जो है दिस इज द मतलब कि आंसर. टू पॉइंट्स आर देयर बिकॉज एज आई सेड पार्टीशन वॉज नॉट अ मतलब कि एन इजी केक. पार्टीशन रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो पार्टीशन हुआ था उसके अंदर लाखों लोगों की जो डेथ थी, एंड देन हाउ दे वुड बी डिस्प्लेस्ड, हाउ दे वुड बी रिहैबिटेटेड, दीज ऑल वर अ वे, मतलब कि वो उस वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज था. और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको लगा कि अगर हम और लोकल कर देंगे तो हो सकता है कि इट मे बी अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, क्योंकि लोग सब अलग अलग अलग, बिकॉज दैट वॉज द टाइम वेन पीपल वॉन्टेड पार्टीशन. तो सब कहेंगे कि हमें अल्लग कर दो, हमें अलग कर दो, एंड अल्टीमेटली जो एक कंट्री को एक मिलाकर रखने वाला जो एक सपना था वो खत्म हो जाएगा. ईच एंड एवरी स्टेट वुड आस्क हमें मतलब कि गिव द ऑटोनॉमी. देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फेल्ड दैट फैक्शन, फैक्शन का मतलब डिविजन, एंड कास्ट रिडन नेचर ऑफ रूरल सोसाइटी वुड डिफीट द नोबल पर्पस ऑफ लोकल गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल. उनका जो सेकेंड, एंड दिस इज रियली मतलब की है, क्योंकि इन इंडिया स्टिल इफ यू गो टू द रिमोट एरिया स्टिल यू विल फाइंड दैट कास्ट रिडन नेचर हमारा है. Some of the underprivileged caste are still not respected. Now this, मतलब कि अगर ऐसा रहा और अगर हमने लोकल गवर्नमेंट बना दिया, एंड इफ देर इज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर, देन मे बी जो फ्यूडलिज्म उस वक्त में था, जमींदारी सिस्टम जो था, दैट मे हैव हैम्पर्ड द डेवलपमेंट ऑफ दीज पीपल. पेपर में होने में एंड प्रैक्टिकल होने में देर इज लॉट्स ऑफ देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस हाउ टू डील विथ. और इसीलिए व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड देर वर ओनली टू टीयर्स, वन वाज द यूनियन एंड सेकंड वन वाज एक्सट्रीमली स्टेट. और उस वक्त में स्टेट्स भी हमारे इतने नहीं थे. द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप इन 53, एंड इट वॉज मतलब कि उसका जो पहला था वो 56 में हुआ था. इवन दो आंध्रा जो है दैट वॉज पार्टीशन फ्रॉम मेड्रास प्रोविंस इन 1952 ड्यू टू मतलब कि पोट्टी सीताराम राजूस हंगर डेथ, बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा प्रॉपर अगर हम कहते हैं स्टेट्स का जो फॉर्मेशन था दैट ओनली हैपेंड इन 1956. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि उस वक्त में एक लोकल गवर्नमेंट को इंसर्ट करना एक बहुत बड़ी मतलब कि दैट वॉज अ चैलेंज. Then, as I said, the Community Development Program of 1952 sought to people's promotion participation in local development. And then हमारा आया था 73rd and 74th Constitutional Amendment. This was there in your 10th standard also, so you should always remember this. ये amendments आपके आते हैं. Actually, 73rd and 74th are two, मतलब कि है तो same ही. एक था आपका फॉर द रूरल गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वन वॉज फॉर द अर्बन. इन दिस बैकग्राउंड अ थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेड फॉर रूरल स्टेट्स. सम अडॉप्टेड द सिस्टम अराउंड 60, दैट इज गुजरात एंड महाराष्ट्र, बट सम डिड नॉट अडॉप्ट. मतलब ये तो अभी धीरे 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 इट इज नाउ बिकमिंग इन द अर्बन एरियाज, इवन दो म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर देयर, बट इन द रूरल एरिया स्टिल नॉट एवरी स्टेट हैज अडॉप्टेड दिस मतलब की सिस्टम. तो ऐसा क्यों हुआ, एंड फॉर मतलब की फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एक तो आपका जो अमेंडमेंट है वो आएगा 73rd एंड 74th, और दूसरा आता ही द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेटरी. मतलब पहले वो मैंडेटरी नहीं था, मैंडेटरी मतलब कंपल्शन, इट वॉज ओनली रिकमेंडेड. सो इसीलिए
The very first is unko laga the local bodies did not have enough powers and functions to look after the local development. But if you say local government, that means it is a transfer of power. And when we say transfer of power, that means sharing of the revenue also. और वो दोनों चीजें जब होंगी तभी आप लोकल डेवलपमेंट को देख सकते हो. देन दे वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस. मेनी स्टेट्स डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश इलेक्टेड लोकल बॉडीज क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है उनके पास तो अभी भी पैसा नहीं होता. हमारे यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है दैट दे डोंट हैव द रेवेन्यूज ऑफ देयर ओन. उनके पास बहुत ही मामूली अमाउंट होता है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रांट्स एंड द असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. और इसीलिए कई स्टेट गवर्नमेंट अपना ग्रांट दे डोंट वॉन्ट टू शेयर वो नहीं करना चाहते थे. देन लोकल बॉडीज जो उस वक्त में थे उनको डिसॉल्व किया गया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिया गया, देयर वर इनडायरेक्ट इलेक्शंस एंड कई जगहों पे इलेक्शंस पोस्टपोन होते रहते हैं और ये अभी भी कई जगहों पर दिस इज वन ऑफ द वेरी मतलब की डिफिकल्ट प्रॉब्लम. दे आर नॉट मतलब की शेयर्ड विद द रेवेन्यूज. देन इवन अगर हम ऐसा नहीं है कि ऑल द प्रॉब्लम्स आर ओनली विद द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, इवन लोकल जो गवर्नमेंट है ना दे डोंट ऑल्सो फंक्शन प्रॉपरली. दे डोंट होल्ड द सभास रेगुलरली, उनके सभास रेगुलर नहीं होते. एनुअल इनकम जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो मेंटेन नहीं करते हैं और इन सब की वजह से क्या होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो एक्चुअल एफिकेंसी है ना वो नहीं हो पाती. इन 1989 द पीके तुंग कमिटी ऑन मतलब कि ऑन रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन. क्योंकि पहले क्या था, इट वाज ओनली रिकमेंडेटरी लेकिन उसके बाद इट वाज मेड मैंडेटरी. मतलब 1983 में इट वाज मैंडेटरी दैट आपको अपने पावर को, अपनी अथॉरिटी को, अपने पैसों को शेयर करना पड़ेगा. देयर शुड बी अ प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट विच विल बी कॉल्ड एज पंचायती राज इन द रूरल एरियाज एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द अर्बन एरियाज. देन व्हाट विल बी द काइंड ऑफ फंक्शनिंग दे वुड बी देयर एंड उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी अलग किया गया था. तो दिस इज वेयर इट केम. These amendments aimed at strengthening local governments and ensuring an element of uniformity. उसको एक constitutional status मिल गया. अभी तक सिर्फ recommend था कि भाई आपको ऐसा करना है. The states have to मतलब कि establish a local government. But now it was completely different. जैसा union के पास अपना power है, state के पास अपना power है, local के पास भी अपना power होगा. This came in force in 1983. 73rd आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बोलता है एंड 74th आपका अर्बन लोकल को बोलता है. दिस इज देयर इन अवर 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो सो आई डोंट नीड टू रिपीट इट. एंड देन पहले थ्रू दीज अमेंडमेंट्स द लोकल गवर्नमेंट वर मेड अ स्टेट सब्जेक्ट. इट एसेंशियली मीन्स स्टेट इज फ्री टू मेक इट्स ओन लॉ इन दिस सब्जेक्ट. देन The states had to change their laws about local bodies ताकि वो constitution के according उसको जो है चला सके. तो पहला क्या किया उन्होंने, this is what we call as three-tier structure even within पंचायती राज. अभी मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले समझ लो बच्चा कि you have one मतलब हो सकता है कि एक गांव बहुत बड़ा है. now Constitution has given the definition कि हम किसको हम विलेज, टाउन एंड सिटी कहलाते हैं. टाउन आपका अलग होता है तो विलेज, टाउन, सिटी. एंड विलेज के दे हैव गिवन यू सर्टेन प्रोविजंस. तो नाउ देयर माइट बी अ विलेज विच इज स्मॉल
एंड देयर माइट बी अ विलेज विच इज वेरी बिग, जहां नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपके ज्यादा है. तो अगर वो विलेज इतना बड़ा है कि उसके लिए एक सेपरेट मतलब कि सभा बनाना है तो दे वुड मेक, और अगर उन्हें लगता है कि वो छोटे छोटे विलेजेस हैं तो वो लोग मिलकर जो है दे वुड बी मेकिंग वन मतलब कि बेस यानी कि ग्राम पंचायत. इसमें क्या होता है, ऑल द पीपल अबाउ 18 ईयर्स जो 18 साल से बड़े हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स बन जाते हैं. ऑल द पीपल जो 18 साल से बड़े हैं. देन ग्राम सभा का जो मतलब कि कंट्रोलर होते हैं उनको हम बोलते हैं पंचायत, और ये लोग क्या करते हैं, दे इलेक्ट द पंचायत ऑफ देयर विलेज या विलेजेस. अगर ग्रुप है तो विलेजेस, और अगर सिंगल है तो उनके विलेज का पंचायत. और इसमें 1/3 ऑफ द मतलब कि जो सीट्स होते हैं दे आर रिजर्व फॉर वेमेन ऑल्सो. इसमें 1/3 जो है वो वुमेन के लिए भी जरूरी होता है. तो एक पंचायत आपका बन जाता है, दैट कैन बी फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज और फॉर अ सिंगल विलेज ऑल्सो. इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन एंड ऑल द एडल्ट मेंबर्स अबाउ 18 ईयर्स जो है वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं एंड दे इलेक्ट. फिर ऐसे कई पंचायत्स जो हैं वो मिलकर मतलब ऐसे कई पंचायत्स मिलकर इनको हम बोलते हैं ब्लॉक या समिति. ब्लॉक या समिति या तालुका मतलब मतलब ये एक ग्रुप है, इनका एक पंचायत है, इनका एक पंचायत है, ऐसे और एक पंचायत है, ये सब मिलकर यानी कि ये पूरा एरिया एक ब्लॉक कहलाता है. और ऐसे कई ब्लॉक्स मिलकर बन जाता है एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला. इन अनदर वर्ड्स, अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं मतलब इफ आई टेक इट इन दी अदर वे, तो लेट अस कम ये एक जिला है. अब इसके अंदर हो सकता है कि आपके जो है अलग अलग ब्लॉक्स हैं, यानी कि ये आपके ब्लॉक्स हैं, और एक ब्लॉक के अंदर आपके जो है बहुत सारे पंचायत्स हो सकते हैं. देयर माइट बी नंबर ऑफ पंचायत्स. अब ये जो एक पंचायत है ये एक गांव का भी हो सकता है, 10 गांव का भी हो सकता है. यानी कि पंचायत आपका सबसे लोएस्ट, फिर कुछ पंचायत मिलके आपके बन जाते हैं समिति या ब्लॉक्स, एंड बहुत सारे ब्लॉक्स मिलकर बन जाते हैं जिला. और इस तरीके से हमारा 3 टीयर से मतलब कि स्ट्रक्चर इनसाइड पंचायती राज आपका किया गया. एंड इन द अर्बन एरियाज हम क्या करते हैं, अर्बन एरियाज के अंदर जो है हम इसको डिवाइड कर देते हैं सिटी को इनटू डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस. बिग सिटीज को हम लोग म्यूनसिपैलिटीज में कर देते हैं, मेट्रोज को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कर देते हैं, और इनका जो हेड होता है वो होता है मेयर, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं उनका हेड होता है चेयरमैन. जैसे ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वेस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. तो इस तरीके से जो एरिया होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस. एंड इन द लो मतलब कि लोकल गवर्नमेंट उसको हम ग्राम पंचायत समिति एंड ब्लॉक बोलते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ग्राम सभा का जो है ऑल द एडल्ट मेंबर्स दैट इज ऑल अबाउट 18 ईयर्स जो होते हैं दे आर रजिस्टर्ड इन द एरिया, एंड देन इनके इलेक्शंस होते हैं. और इनका जो इलेक्शन होता है ना उसके लिए जिस स्टेट में वो पंचायत है उस स्टेट का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसे सेटअप करना पड़ता है. जो हमारा मेन इलेक्शन कमीशन है वो नहीं करता, जिस स्टेट में वो होता है वहाँ का स्टेट इलेक्शन कमीशन उनके इलेक्शंस को कमिट करता है.
एंड दे हैव अ डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी कि कोई भी खड़ा हो सकता है। हाँ, जिला वाले में जो है एट द डिस्ट्रिक्ट जो लेवल पे जब होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें एमएलएज एंड एमपीज भी होते हैं, लेकिन एट द लोकल लेवल एनी वन कैन स्टैंड फॉर एनी पोजिशन। एंड द सेम थिंग इज देयर, जैसा हमारा नॉर्मल इलेक्शन होता है, मतलब कि 5 ईयर्स का टर्म होता है, लेकिन अगर स्टेट को लगता है कि पंचायत में कोई प्रॉब्लम है, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो स्टेट कैन डिसॉल्व। देन 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वेमेन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूट। अगर आप कहीं पर भी जाओगे ना, आप देखोगे सरपंच औरतें भी होती हैं, स्पेसिफिकली इन विलेजेस लाइक हरियाणा यू कैन फाइंड स्पेसिफिकली। एंड फॉर द SC ST देर इज अ प्रोपोर्शन, मतलब जैसे हमारे यूनियन में तो 84 एंड 47 सीट्स है ना, इनमें होता है कि कितने वहां लोग हैं उसके प्रोपोर्शन में उतने सीट्स होते हैं। लाइक इन द यूनियन गवर्नमेंट यू हैव 84 सीट, क्योंकि वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एट द लोकल लेवल इट इज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अगर मान लो एक जगह पे SC ST है ही नहीं है, तो वहां पर रिजर्वेशन नहीं होगा। एंड इफ द स्टेट फाइंड्स इट नेसेसरी देन OBCs के लिए होता है, तो दिस इज ऑल्सो फॉर द चेयरपर्सन एट ऑल द 3 लेवल, दैट इज आपका ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सभा लेवल। एंड देन 29 सब्जेक्ट्स जो है अकॉर्डिंग टू Article 243G पंचायत को ट्रांसफर किया गया। ये आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज देयर इन द 11th स्केड्यूल, और ये आपके MCQ क्वेश्चंस में आते हैं कि कौन सा स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ये जो स्टेट्स स्टेट्स के पास थे पहले, उनमें से इन सब्जेक्ट्स को मतलब कि दे दिया गया था जो लोकल वेलफेयर के लिए जरूरी है, और वो ये है, मैंने मतलब कि आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट, यू कैन जस्ट लुक, मतलब एवरीथिंग एट द लोकल, नथिंग ऑन द स्टेट लेवल, इट इज नॉट नथिंग डीलिंग विद द यूनियन, मतलब वहाँ जो बेसिक एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ की माइनिंग, इरिगेशन, वहाँ का फॉरेस्ट, खादी इंडस्ट्री, ड्रिंकिंग वाटर, रोड, जो भी लोकली जो उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, उसी को वो डील कर। दिस इज हाउ द पंचायती राज सिस्टम वर्क्स इन आवर कंट्री। नाउ हाउ दिस मतलब कि कमिटी को सेटअप किया गया, बेसिकली दिस वॉज डन बाय बलवंत राय मेहता, मतलब ये वो कमिटी है, जैसे हमारा मंडल कमीशन OBC को बताता है, दिस इज द कमिटी विच डेल्ट विद द, मतलब ये वो था जिसने बोला था कि देयर शुड बी अ प्रॉपर अमेंडमेंट एंड देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम। ये कमिटी ने ही बोला था दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर पंचायती राज 3-tier सिस्टम, जिससे एट द माइक्रो लेवल, देखो बच्चा एक होता, आप लोग इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते तो यू नो, मैक्रो लेवल यानी कि एट द स्टेट लेवल, एट अ लार्ज मतलब कि लार्जर एरिया, इट इज इजी, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें वहां पहुंच रही हैं, इज मतलब कि इज एवरी गवर्न, मतलब कि जितने भी आपको पता है इन द विलेजेस आपके मार्केट लगता है, फेयर लगते हैं, कैसे किया जाए, कौन उसको अरेंज करेगा, उसमें जो भी मतलब कि खर्चा आता है, उसमें जो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आता है, उसमें जो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, लोकल गवर्नमेंट के साथ में प्रॉब्लम क्या आती है, इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस वी डोंट हैव द हेल्थ सेंटर्स, तो हाउ टू डील विद दैट। देन आंगनबाड़ी सिस्टम, जो आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आंगनबाड़ी सिस्टम जो है उनको किया गया है, एंड इट इज रियली वर्किंग वेरी वेल, क्योंकि जो आंगनबाड़ी सिस्टम है अलॉन्ग विद द NGOs ऑफ मतलब की जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोशिश करते हैं दैट जो हेल्थ फैसिलिटीज और जो एजुकेशन फैसिलिटीज है एट द बेसिक लेवल इट शुड रीच। तो आंगनबाड़ी हैज बीन वेरी प्रोमिनेंट इन आवर कंट्री। देन आपके जो SHGs हैं, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि माइक्रो फाइनेंस को हेल्प करती है, दे आर नॉट द वन हु आर हेल्पिंग एट अ वेरी ला, लेकिन जो SHGs हैं दे आर ऑल द मेंबर्स फ्रॉम द विमेन कम्युनिटी,
और उनका इतना अच्छा रोल होता है, अगर SHGs अगर रेगुलरली वर्क करती हैं तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द बैंक्स गिव देम लोन विदाउट एनी कोलेटरल. तो इन सब के लिए वी नीडेड सम बॉडी और उसको पूरा किया था लोकल गवर्नमेंट. नाउ इट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, देर आर एरियाज जहाँ आपके आदिवासी जो है वो रहते ट्राइबल्स एंड दे नॉर्मली डोंट अग्री विथ मेनी ऑफ द कस्टम्स वी आर फॉलोइंग, लाइक दे मतलब कि जो आपके संदल्स हैं, मतलब कि देन मुंडा है, ये लोग जो हैं दे आर नॉट अग्रीइंग. देर आर सो मेनी ट्राइबल्स इन आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान निकोबार. आई थिंक आपको सबको पता होगा कि अंडमान एंड निकोबार में देर इज वन एरिया जहाँ आज भी लोग जो है जिंगा लाला हु करते हैं. And what I mean is not joke, such. Aaj bhi, even 2023 mein, that area, Sentinelese Island, the name of the island is Sentinelese, Sentinelese. In Andaman and Nicobar, wahan jitne log rehte hain, kasba jo unka matlab wahan par jo tribe hai, they are completely, जिसको हम बोलते हैं ना 1000 BC, उसमें रहते हैं. दे डोंट वियर द क्लोथ व्हाट वी वियर, दे वियर द छाल ऑफ द बार्क ऑफ द क्लोथ एंड दे आर हैविंग देयर ओन भालाज एंड ऑल. एंड उस एरिया के पास भी कोई जाता है तो दे किल देम. देयर वर टू पीपल हु वर किल्ड अभी रिसेंटली लास्ट ईयर, एक इंसान एंड उससे पहले एक ब्रिटिश मतलब की किल. एंड नोबडी नोज कि जब सुनामी आया था तो हाउ दीज पीपल हैड सेव देमसेल्व्स. वहां कुछ भी नहीं है एंड दैट पर्टिकुलर एरिया इज सील्ड एंड वहां पर द गवर्नमेंट डजंट अलाउ, क्योंकि देयर वर सम इंसिडेंट जब लोग चले गए थे तो उन्होंने उनको टांग के. तो ट्राइबल्स नॉर्मली डोंट गो विद द प्रोविजंस व्हाट वी हैव एंड देर आर सो मेनी ट्राइबल्स. और इसीलिए This is important. The Adi, there are some areas जहां आपके आदिवासी populations रहते हैं, उन areas में इन provisions को मतलब कि enact नहीं किया गया था. There was a separate act जो उनको help करता. Why? Why this was? As I have already told you, मैं already बता चुकी हूँ. In India, Adivasi communities have their traditional customs of managing common resources like aapka jo isme hai Birsa Munda vagara hai in the sacred grove. Sacred grove ke andar they don't allow even the government to enter. Unka manna hai ki forest, river and mountains are the gifts of nature and they are not to be protected by the state. और वहां पर टैमरिन ट्री हो गया या फिर आपका कदम्ब ट्री हो गया, इनकी वो पूजा करते हैं. सो दे डोंट अलाउ. द न्यू एक्ट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ दीज कम्युनिटीज जैसा वो चाहते हैं. मोर पावर्स वर गिवन टू ग्राम सभा ऑफ दीज एरियाज एंड इलेक्टेड विलेज पंचायत टू गिव कंसेंट ऑफ ग्राम सभा इन मेनी रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उनके किसी भी स्पिरिट को, उनके किसी भी कल्चर को दे डिड नॉट वॉन्ट टू हार्म. एंड दिस इज हाउ द स्पेशल सेपरेशन एक्ट, मतलब उन एरियाज के लिए सेपरेट एक्ट बनाए गए थे विद द पंचायत सिस्टम, कि वहां पंचायत सिस्टम कैसा रहेगा. इट वॉज नॉट द सेम एज वी हैव फॉर अदर स्टेट्स एंड द रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये रीजन यही है. उनके अपने कल्चर होते हैं, दे डोंट अलाउ, लाइक इन दी मतलब आपका जो सेक्रेट ग्रोव्स हैं दे डोंट अलाउ. इवन इन राजस्थान जो बिश्नोई कम्युनिटी है, दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. उसके अंदर किसी भी तरीके से आप मतलब कि इफ यू हैव डन एनीथिंग देन आपको उनके पंच के सामने खड़ा करना पड़ता है. इवन मेनी ऑफ द मतलब कि नोन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वहीं फंसे थे. इट हैपन्स. Then to protect the rights, अब वो लोग अपनी जगह पे ठीक है. And to protect their rights, these separation act जो है इसको pass किया. Now as I said, how do the
मतलब कि यहाँ लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस एंड इलेक्शंस कैसे करती है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट दो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उसे सेट किया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। दे डोंट वर्क अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, एंड जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसके भी अपने ही पावर्स है, इंडिपेंडेंट, एंड ही डजंट कम अंडर गवर्नमेंट ना ही अंडर इलेक्शन कमीशन। उनका काम होता है दोनों जगह पर, जहां म्यूनसिपल हुआ या फिर आपकी रूरल एरियाज हुए, वहां पर कहां कहां पर कब लोकल गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं फॉर द लोकल फॉर द रूरल एरिया, सो कब करवाना है, कैसे करवाना है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। एंड देन देयर इज ऑल्सो स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको अपॉइंट करती है, एंड दे लुक इनटू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, वेदर जो स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनको पूरा पैसा मिल रहा है, आर दे यूजिंग इट अप्रोप्रिएटली, ये सारा काम स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। डू नॉट कंफ्यूज विद बोथ ऑफ देम। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 74th का क्या था? मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 73rd इज मतलब कि एप्लीकेबल टू दिस टू दी रूरल, एंड 74th आपका आता है फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज। तो अमेंडमेंट्स डील विद अर्बन लोकल बॉडीज और नगर पालिका, इनको हम हिंदी में म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं, और इनके जो है 18 सब्जेक्ट्स हैं, एंड ये वो आपका 11th स्केड्यूल में आता है, एंड दिस कम्स अंडर द 12th स्केड्यूल। मतलब कई चीजों में सेम ही है, ऑल द मतलब की प्रोविजंस ऑफ 73rd, जैसे इलेक्शंस का होना, रिजर्वेशन का होना, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, सब कुछ है, बट सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि इन द लोकल एरियाज हमारा जो है छोटे छोटे जो गांव होते हैं वो अपने उनके अपने पंचायत होते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस के एक पंचायत होता है, और ऐसे ग्रुप ऑफ पंचायत मिलके एक समिति बनाते हैं, ऐसे दो या मतलब ऐसे तीन चार समिति मिलकर एक मतलब की ब्लॉक बनाते हैं, ऐसे कई ब्लॉक हमारे जिला के अंदर, तो इनको सॉरी ऐसे कई समितियां ब्लॉक हम मिलकर एक जिला बनाते हैं। वेयर इज इन द अर्बन एरियाज आपका जो है दे आर मतलब की जो बड़ी शहर होते हैं सिटीज, दे आर डिवाइडेड इनटू म्यूनिसिपैलिटीज, एंड जो बाकी आपके होते हैं उनको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। एंड देन इसमें क्या होता है, दिस इज डिवाइडेड और दैट डिपेंड्स, इन दिल्ली पहले पांच थे अब चार है, एंड देन इनके जो इलेक्शंस है ना, इनका इलेक्शन अलग होता है, इनका इलेक्शन अलग होता है, इनका ईस्ट दिल्ली का अपना होता है नॉर्थ, एंड इनके जो ओवरऑल है वो है आपके मेयर, और जो अपने अपने एरियाज के होते हैं उनको म्यूनसिपल चेयरपर्सन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका पंच मतलब कि सरपंच बोला जाता है, एंड पूरे जिला का जो हेड होता है उसको जिला परिषद बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ म्यूनसिपल चेयरपर्सन एंड पूरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको हम मेयर बोलते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द 74th अमेंडमेंट, द सेम थिंग जैसा वहां पर है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड द ट्रांसफर ऑफ अ लिस्ट ऑफ फंक्शन फ्रॉम स्टेट टू द अर्बन लोकल बॉडीज। जो आपका वहां चलता है सेम यहाँ पर भी चलता है, द ओनली थिंग इज कि वहां के जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े ज्यादा भी है, एंड दे आर रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पर जो है आपके डे टू डे अर्बन जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर चलता है। एंड इन आर कंट्री द मेन प्रॉब्लम हैज बीन कि हमारे यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब कई बार ऐसा रहा है कि यूनियन में ए गवर्नमेंट रहा, राइट, देन इन दी मतलब कि स्टेट में बी गवर्नमेंट रहा, एंड सी जो है मतलब लोकल में सी गवर्नमेंट आया, तो आपस में इनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। भाई यूनियन में कोई और गवर्नमेंट था, मतलब कि स्टेट के अंदर कोई और गवर्नमेंट था और उसमें अलग था, तो दिस प्रॉब्लम वी ऑलवेज हैव बीन फेसिंग। देयर वाज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, आई रिमेंबर इवन इन ईस्ट दिल्ली आल्सो, ना मतलब कि हीप्स ऑफ आपके जो कूड़ा था दैट वाज मतलब कि उसको मतलब खड़ा कर दिया गया था इन द इन बिटवीन,
एंड दैट वाज बिकॉज गवर्नमेंट का कहना था कि सॉरी जो मतलब कि लोकल गवर्नमेंट जो थे वो कह रहे थे कि दे आर नॉट गेटिंग द सैलरी, स्वीपर्स जो थे वो लोग कह रहे थे कि उनको सैलरी नहीं मिली है इसीलिए वो कूड़ा नहीं उठाएंगे. एंड मतलब कि जो उनके ऑफिसर्स थे वो कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको पैसा नहीं दिया. ऑन द अदर हैंड स्टेट गवर्नमेंट कह रहा था कि हमने तो पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं. एंड इन दिस मैनर जो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट था दैट हैड अ प्रॉब्लम, और उससे प्रॉब्लम किसको होती है, लोकल लोगों को होती है. तो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इफ देयर इज मतलब कि ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट अगर प्रॉपर नहीं होते हैं, रेवेन्यूज प्रॉपरली शेयर नहीं होते हैं, या फिर आपका जो है मतलब कि जो गवर्नमेंट्स है उनके बीच में इफ देयर इज नो मतलब कि कॉर्डियल प्रॉब्लम है. नाउ वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ 73rd एंड 74th, क्योंकि 73rd एंड 74th से पहले आप याद रखना बच्चे एक क्रोनोलॉजी, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो पंचायती सिस्टम वॉज देयर, लेकिन हमारे यहाँ उसको सिस्टम नहीं बोलते थे. दैट वॉज लाइक कि मिलजुल के रहते थे, जैसे घर में होता है ना मम्मी बच्चे तीनों लड़ाई करते तो मम्मी के पास चले जाते हैं, पापा के पास चले जाते हैं. तो एट दैट टाइम दे यूज टू गो टू द लीडर हु वॉज मतलब जिनको वो लीडर मानते थे. लेटर ऑन रिपन कमीशन के अकॉर्डिंग जो है एक लोकल बॉडी सेटअप किया गया था एंड दैट वॉज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन बोथ ऑफ अवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. एंड स्टेट्स को एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि वो लोग लोकल बॉडी सेट कर सकते हैं, लेकिन लोकल बॉडी को एक प्रॉपर टीयर नहीं दिया गया. बट इन द मतलब कि लेटर ऑन 73rd एंड 74th एक्ट में उसके अकॉर्डिंग इट वॉज गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कि उसको बनाना अब जरूरी था. तो पहले लोग इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि दे डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर द पावर्स, एंड इवन दो उन्होंने अपने ऑफिसेस रखे थे बट दे वर नॉट फाइंडिंग सोल्यूशंस. बट जब 73rd एंड 74th आ गया तो ऑल द जो स्टेट से दे हैड टू मेक अमेंडमेंट्स इन देयर लिस्ट. तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट, नो डाउट बहुत काफी हद तक अगर आप मतलब कि इफ यू टॉक टू एनी वन हु वाज बॉर्न मतलब जिसने 1970 देखी होगी, आप उनसे बात करते हो अभी में बात करते हो तो देर इज डेफिनेटली लॉट्स ऑफ डिफरेंस. पीपल्स पार्टिसिपेशन इनमें सबसे ज्यादा रहती है. क्यों? क्योंकि हम भी खड़े हो सकते हैं. अगर मुझे लगता है कि आई एम मतलब कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड आई कैन स्टैंड. देयर इज अ डायरेक्ट इलेक्शन इन द रूरल एरियाज. 73rd एंड 74th हैव क्रिएटेड यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज एंड नगर पालिका. दे हैव इट्स मतलब कि दे हैव एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एंड ऑल्सो मोर फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन. Then the provision for reservation of women, which is only in the local government, it is not there in any central or state government. उससे जो women है उनका power भी ज्यादा रहा है. In fact, they have been in the key positions. आप अगर India के अंदर आप देखोगे ना, you will be amazed to see कि एक तरफ जहां हम बोलते हैं women literacy, women participation is minimal, अगर आप देखोगे ना local government का तो यू विल बी अमेज टू सी कि हमारे लोकल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली इन द पंचायती यू विल फाइंड एक क्लेरी को तो होना ही होता है, जो पंच मेंबर्स होते हैं एक को तो होना ही होता है. और कई जगहों पर सरपंच वो लेडीज भी है. नॉट ओनली दे आर लेडीज, इवन दे आर बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सम, इससे उनका पार्टिसिपेशन. अब भाई सरपंच का मतलब क्या है? पावर, अथॉरिटी. यानी कि हमारे यहाँ पर चाहे घरों के अंदर विमेन को पावर मिले या ना मिले, बट विमेन पावर हैज बीन देयर इन द लोकल गवर्नमेंट. इन मेनी केसेस दे हैव ब्रॉट अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड अ ग्रेटर सेंसिटिविटी टू डिस्कशंस एट लोकल बॉडीज. इन मेनी केसेस विमेन वर अनेबल टू असर्ट देयर प्रेजेंस एंड वर मेयर प्रॉक्सीज फॉर मेंबर. अगर आप में से किसी बच्चे ने पंचायत वेब सीरीज देखी हो, आई थिंक इट इज ऑन नेटफ्लिक्स, आई थिंक क्योंकि मैंने देखी है वो. आई डोंट वॉच नेटफ्लिक्स, मुझे वो बहुत अपसर्ड लगता है, लेकिन पंचायत मैंने देखी थी. एक पंचायत और एक वो कोटा फैक्ट्री, वो दोनों देखी थी. तो पंचायत अगर आपने नहीं देखी हो ना तो आप देख सकते हो. उसके अंदर क्या होता है कि जो विमेन होती है एज अ पार्ट शी बिकम्स द सब मतलब कि उसको जो है उसका नाम दे दिया जाता है.
एंड नाउ शी वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट ऑल्सो, लेकिन उसका जो हस्बैंड होता है, जो एक्चुअल में पहले सरपंच होता है, ही डजेंट वॉन्ट हिज वाइफ टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. और वो कहता है कि यू शुड बी ओनली प्रॉक्सीज. प्रॉक्सीज मतलब तुम सिर्फ मेरे नाम, मतलब कि तुम जो हो जाओगी, लेकिन सारा काम मैं करूंगा. तुम्हारी सिर्फ फोटो होगी, तुम सिर्फ नाम के लिए होगी, ओरिजिनल काम मैं करूंगा. ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज मेल मेंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेल चौविनिज्म, सेकेंडली दे आर इन्वॉल्व इन इंडल्ज इन मोर इन टू द पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स. दे डोंट वॉन्ट द, मतलब कि वो जो करप्शन है उसमें विमेन आए, तो दे वॉन्ट. अब उनको ये पता है कि विमेन का पार्टिसिपेट करना भी आसान है, विमेन का जीतना भी आसान है, लेकिन दे डोंट वॉन्ट विमेन टू वर्क एग्जैक्टली इन दैट पोजिशन. बट इसके बावजूद इन बिहार 50% ऑफ द रिजर्वेशन हैज बीन देयर फॉर द विमेन. इवन इतने के बावजूद भी, वो भी खासकर इफ आई से बिहार जैसा, मतलब कि एरिया, क्योंकि बिहार के अंदर इफ यू लुक लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन द पॉलिटिकल एरिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर 50% आरएस सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन, व्हिच इज रादर अ रिमार्केबल, मतलब कि यू कैन से चेंज. सो दिस इज ऑल इन द चैप्टर लोकल गवर्नमेंट. एज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस, लोकल गवर्नमेंट के फायदे फर्स्ट, देन ये जो आपके मैंने ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, दिस आई रिमेम्बर इट केम इन द स्कूल्स मेनी अ टाइम्स, कि पहले कब हुआ था, 1882, देन आपका 1919, फिर 1935. हम लोग जो ये लोकल गवर्नमेंट का जो क्रिएशन है बेटा, इसको हम लोग जो है वी ऑल्सो कॉल एज डिसेंट्रलाइजेशन. हम इसको डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड to the lowest level in the government. वैसे तो हम decentralization हम organizations में भी use करते हैं, but decentralization का मतलब होता है power का transfer. So this was recommended by आपके जो है पहले आपका जो है it was मतलब कि earlier done by the Baldev Commission and later on आपका जो तुंग बैठा था कमीशन, उन्होंने कहा था कि एक कंपल्शन होना चाहिए. एंड देयर इटसेल्फ 73rd एंड 74th के 73rd लिस्टेड 11 सब, मतलब कि 11 स्केड्यूल के अंदर आता है, जिसमें आपके अराउंड 28 सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर द लोकल गवर्नमेंट, वेयर इज आपका जो 74th अमेंडमेंट है उसमें 12th स्केड्यूल के अंदर लोकल जो मतलब की गवर्नमेंट है इन द म्यूनिसिपैलिटीज, उनके सब्जेक्ट्स को जो है ट्रांसफर किया गया था. इनकी फंडिंग जो है वो आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन करती है, और इसका जो इलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है. देन देयर इज अ सेपरेट एक्ट विच हैज बीन पास्ड फॉर सम ऑफ द एरियाज, क्योंकि देयर द पॉपुलेशन ऑफ आदिवासीज जो है वो ज्यादा है, इट इज मोर, एंड नॉट टू हर्ट देयर सेंटिमेंट्स, नॉट टू हर्ट देयर कल्चर, एक सेपरेट एक्ट पास किया गया था. दिस इज वंस अगेन एन इम्पॉर्टेंट. देन आपका प्रोविजन ऑफ 74th, एंड मतलब कि वाई ये वाला जो पहले स्टार्ट किया था हमने, वाई डिड ओनली फ्यू स्टेट्स अडॉप्ट अ थ्री टीयर सिस्टम इनिशियली स्टार्टिंग में, and that was only because they did not want to transfer the power. So these are the provisions and these are the matlab ki important one from this particular chapter. So this is what we call as local government.